देखो यार, मैं सबसे पहले ही बता दे रहा हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि ये वीडियो स्किप मत करना अगर आप जॉब सीकर हो, तब अगर आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, तो ये वीडियो डेफिनेटली मत स्किप करना, पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा कि क्योंकि आप लोग बहुत सारे जॉब अप्लाई किए होगा, रिस्पॉन्स नहीं आया होगा। कोई वेबसाइट के बारे में इस वीडियो में नहीं बात कर रहा हूँ कि इस वेबसाइट पर अप्लाई करो, यहाँ अप्लाई करो, क्योंकि उस पर बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं और थक जाते हैं यार, रिस्पॉन्स नहीं आते। तो मैं क्यों ना सोचा कि एक वीडियो बनाते हो, मे भी ये इलीगल हो सकता है, बट हाँ मैं चाहता हूँ आप लोग का प्रॉपर हेल्प करना और आप लोग की जॉब लगवाना। मैं सोचता हूँ यार कि आपकी जॉब लगे, क्योंकि आप लोग भी एटलीस्ट यार पढ़ाई लिखाई क्यों किया, जॉब लगने के लिए ना। तो मैं सोचता हूँ सबसे अलग वीडियो बनाऊँ, और उसमें लोग क्या करते हैं कि वेबसाइट बताते, मैं भी बहुत सारी वेबसाइट बताऊँ जहाँ से जॉब अप्लाई करो, आपको रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन आज की इस वीडियो क्यों यूनिक होने वाली, क्यों अलग होने वाली, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को प्रोवाइड करूंगा एचआर के, कंसल्टेंट के और कंपनी के एचआर का जीमेल आईडी आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। कौन कौन सी कंपनी है, 10 अभी मैं इस वीडियो में 10 ऐसे एचआर के, कंसल्टेंट के आप लोग को जीमेल प्रोवाइड करेंगे कि आप लोग डायरेक्ट उसको सेंड कर सकते हो अपने रिज्यूमे, ठीक है, सीधे कंपनी के एचआर को जाएगा, कंसल्टेंट को जाएगा। अब देखो एचआर और कंसल्टेंट में क्या फ़र्क होता है, कंसल्टेंट जो होती है उनके पास बहुत सारी कंपनी होती है, तो उनको सेंड कर दो आप, ठीक है। कैसे सेंड करना है वीडियो एंड तक देखोगे, मैं पूरा बताऊंगा सब्जेक्ट में क्या लिखना है और उसके बाद मैसेज क्या लिख के आपके रेज्यूमे देना है, सारा कुछ डिटेल में बताएंगे, वीडियो एंड तक जरूर देखना। चलो मैं बात करता हूँ, एचआर हो गई, वो प्रॉपर उस कंपनी की एचआर होगी, उस कंपनी में आपके रेज्यूमे चली जाएगी। कंसल्टेंट हो गई, कंसल्टेंट के अंदर बहुत सारी कंपनी आती है, तो अगर उनको अपन अपने रेज्यूमे भेज दिया और जीमेल पे भेज दिया, पोर्टल पे अप्लाई किए, वहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेंट हो जाते हैं, चांसेस कम होती है। डायरेक्ट रिज्यूमे भेजोगे तो भाई चांसेस तो बढ़ सकती है, ऑब्वियसली वो मेल देखेंगे, अरे मेल आया है, रिज्यूमे कौन थ्रू करेंगे और चीज़ें मिलेगी। तो कंसल्टेंट के पास बहुत सारी कंपनी होती है और वो बहुत सारी कंपनी के लिए उनको पैसे मिलते हैं, ठीक है, कंपनी में अप्लाई करने, मतलब कंपनी में अगर वो आपको भेजेंगे, सिलेक्शन होगा तो उनको पैसे मिलते हैं, तो आप लोग उनको रिज्यूमे भेजिए। तो देखो रिज्यूमे में सब्जेक्ट में क्या लिखना है, अभी मैं स्क्रीन पे ऐसे बता रहा हूँ, बाकी स्क्रीन के शेयर करके भी वहाँ पे दिखाऊंगा कौन कौन सी कंपनी है और कौन कौन सी कंपनी में कौन कौन सी पोजीशन खुली है, कितने पैसे देंगे ये भी बताऊंगा, ठीक है, और साथ ही साथ मैं एचआर का ईमेल आईडी भी दूंगा। ईमेल आईडी मैं स्क्रीन पे लिखूंगा, डिस्क्रिप्शन पे नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे इसका भी रीज़न मैं बता देता हूँ। अगर मैं सारा एचआर का ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, आप लोग वीडियो नहीं देखोगे, ठीक है, और बस वहाँ पर लिखोगे ऐसे, मतलब ईमेल आईडी वहाँ से निकालोगे एचआर का और सीधे रिज्यूमे सेंड करोगे। इसलिए मैं पूरा स्क्रीन पे लिखूंगा, अलग अलग कंपनी के डिटेल बताऊंगा कि इस कंपनी में इस पोजीशन की हायरिंग चल रही है, इतने पैसे देने वाले हैं, और सब्जेक्ट में क्या लिखना है और मैसेज में क्या लिख के भेजना है एचआर को। अगर वो मैसेज आप लोग लिख के भेजोगे तो मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ एचआर का रिस्पॉन्स आएगा। मेरे को बहुत सारे कंपनी ऐसे अप्रोच किए, करंटली जैसे मैं अभी कहीं वर्क कर रहा हूँ उसके बाद भी मेरे पास बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, इसी बेसिस पे आ रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे कंसल्टेंट के नंबर है, बहुत सारे एचआर के नंबर, वो खुद अपना देते हैं कि यहाँ पर रिज्यूमे भेजो। तो मैं सोचा कि एक वीडियो बनाऊँ, आप लोग को भी ये चीज़ें प्रोवाइड करूँ और आप लोग को ले भेजूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताता हूँ, अगर आप लोग मेरे को फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, डीबा बी शुभम है, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर लेना, आप लोग डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, और 1-to-1 मेरे से कनेक्ट होना चाहते हो टॉपमेट का लिंक भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाउट हो, वहाँ पर जाकर 1-to-1 मेरा सेशन मेरे से मीटिंग कर सकते हो, मैं आपके डाउट क्लियर करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे और वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो चलो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग सब्जेक्ट में क्या लिखने वाले हो। सब्जेक्ट में सपोज करो आपको जावा डेवलपर की पोजीशन यहाँ पे खुली हुई है, तो उसमें सब्जेक्ट में लिखोगे एप्लीकेशन फॉर अ जावा डेवलपर, एप्लीकेशन फॉर अ बैकएंड डेवलपर, एप्लीकेशन फॉर अ नोड जेएस डेवलपर, एप्लीकेशन फॉर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बस ऐसा करके लिख सकते हो, ठीक है, ये डिपेंड करता है कौन से रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो। चलो मैं अब आता हूँ, अब मैसेज नीचे क्या लिखना है, नीचे मैसेज में आप लोग लिखना है हाय सर एंड मैडम, स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, आई होप दिस फाइंड्स यू वेल, ओके, माई नेम इज शुभम कुमार मौर्य, माई नेम इज XYZ, जो भी है तुम्हारा, ठीक है, करेंटली वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोजिशन बैकएंड का, फ्रंट एंड का, यहाँ मैं वर्क कर रहा हूँ, मैं इसको लीड कर रहा हूँ कंपनी को, या फिर मैं इस कंपनी में ये पोजिशन पे काम कर रहा हूँ, इतने साल का एक्सपीरियंस है, 0 ईयर एक्सपीरियंस है, फर्स्ट फ्रेशर हूँ, जो भी हो ऐसा लिखना, और उसके साथ लिखना कि आई एम कॉन्फिडेंट इन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, स्ट्रॉन्ग स्किल एंड डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम तो कॉमन है, सबको चाहिए, और साथ ही साथ आप लोग लिखोगे स्ट्रॉन्ग स्किल इन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम के साथ साथ आप लोग ये लिखोगे कि वेब टेक्नोलॉजी सच एस जो आती है आप लोग को, लाइक जावा, नोड जेएस, पाइथन और जावास्क्रिप्ट, स्प्रिंग बूट, AWS, रिएक्ट जेएस, MySQL, MongoDB, एक्सेट्रा, एडिशनल जो चीजें आती है वो ऐसा लिखना, और साथ ही साथ लिखना कि आई बिलीव दैट माई पास्ट स्किल प्रॉब्लम सॉल्विंग मेक मी द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस पोजिशन, ऐसा करके भी लिखना, स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं ऐसा। उसके बाद लास्ट में एक जो जरूर लिखना कि आई एम काइंडली इंटरेस्टेड फॉर SDE रोल,
या फिर जिस रोल के लिए अप्लाई करो उस रोल के लिए लिखना कि मैं इंटरेस्टेड हूँ। और उसके बाद यही जो मैंने बताया वो लिखने के बाद माय पब्लिक कोडिंग रेफरेंस या फिर पब्लिक कोडिंग प्रोफाइल के लिए आप अपना लीड कोड दे सकते हो, हैकर रैंक दे सकते हो, हैकर ऐड दे सकते हो, जो भी है आप लोग की पब्लिक प्रोफाइल वहाँ पे जाके नीचे लिंक वगैरह वहाँ पे दे सकते हो और रिज्यूमे ऐड कर देना। फिर नीचे लिखना थैंक यू फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन, ठीक है, बेस्ट रिगार्ड, जो भी एक प्रॉपर में यहाँ पे स्किन देखो ऐसे करके लिख लेना, ठीक है, ये सब्जेक्ट में लिखना और रिज्यूमे ऐड कर देना। तो ये मैसेज देख के तो हमें लगता है यार कि कंपनी तो रिस्पांस करेगी ही करेगी। अब आते हैं सबसे बात करते हैं भाई कंपनी बताओ कौन कौन सी कंपनी, बहुत बातें कर ली है, अब आते हैं कंपनी पे। देखो यार सबसे पहली कंपनी जो होने वाली है वो जो मैं डिस्कस करूंगा यहाँ पे, देखो स्क्रीन पे देखो जावा डेवलपर की पोजीशन खुली हुई है। कंपनी का जो नाम है वो है जेप स्मार्ट करके कंपनी है और उसमें है एनुअल सैलरी की बात करेंगे 8 से लेकर 22 LPA तक की सैलरी पैकेज है और लोकेशन जो होनी बैंगलोर हो। अब इनको की स्किल क्या क्या चाहिए स्क्रीन पे देखो, जावा, स्प्रिंग बूट, माइक्रो सर्विसेज, गिट एंड SQL और API, ये चीज़ें इनको चाहिए, ठीक है। और इनका जो है ईमेल आईडी यहाँ पे देख सकते हो naukri123@jepsmart.com नाम से है, इस पे रिज्यूमे भेज सकते हो, ठीक है, मिल जाएगा। सेकंड की बात करेंगे यहाँ पे, अब मैं पूरा से बोलूंगा तो बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, बस मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो मनी व्यू करके कंपनी होने वाली है, जावा डेवलपर की पोजीशन खुली हुई है, लोकेशन जो होगी बैंगलोर होगी और स्किल सेट जावा स्प्रिंग बूट चाहिए, HR का ये है HR इसका, और सेम जो है अगेन जावा की पोजीशन खुली है। अब देखो जो ये खुली है सब्जेक्ट में हर एक सब्जेक्ट में लिख देना एप्लीकेशन फॉर जावा, एप्लीकेशन फॉर नोड, ऐसा करके एनुअल सैलरी 13 से लेकर 27 LPA तक ये दे देंगे। इसमें भी डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, ट्री, ग्राफ जो भी है स्क्रीन पे सब देख सकते हो। नेक्स्ट कंपनी की बात करेंगे यहाँ पे भी अगेन जावा बैकएंड डेवलपर की पोजीशन खुली, ये ईमेल आईडी है HR का, यहाँ पे एनुअल सैलरी यहाँ पे अभी इन्होंने मेंशन नहीं किया है कितना देंगे, बट हाँ जॉब लोकेशन बैंगलोर, गुड़गांव, हैदराबाद, नोएडा जैसी है, जावा माइक्रो सर्विसेज की मतलब इस पे हायर करने वाले। अगेन कंपनी नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, इसमें भी 10 से लेकर 15 LPA तक के पैकेज दे देंगे, AWS, पाइथन और साथ ही साथ नोड JS की रिक्वायरमेंट है इनकी, लोकेशन जो होगी चेन्नई और बैंगलोर होगी, HR की ईमेल आईडी ये है। नेक्स्ट कंपनी में देख सकते हो अगेन जावा डेवलपर की पोजीशन खुली है, 0 से लेकर 30 LPA तक देंगे। ये जो रेंज है ना ये मैं लास्ट में बताऊंगा अभी क्यों रेंज देते हैं ये लोग, ठीक है, लोकेशन जो कि मुंबई होगी, जावा माइक्रो सर्विसेज और स्प्रिंग बूट पे काम करेगी। नेक्स्ट कंपनी की बात कर लेंगे यहाँ पे देख सकते हो अगेन, ये अगेन कंपनी से 14 से 20 LPA तक की पैकेज देगी, HR की ईमेल आईडी ये मेंशन है, लोकेशन जो होगी बैंगलोर होगी, ठीक है। लास्ट कंपनी जो होने वाली यहाँ पे देख सकते हो अगेन मन स्टैक की डेवलपर खुली हुई है, LTI माइंट्री में पोजीशन खुली हुई है जो कि 0 से 25 LPA तक की सैलरी पैकेज दे रहे हैं, लोकेशन यार मल्टीपल लोकेशन के लिए हायर करने वाले हैं, आप लोग देख सकते हो। 10 कंपनी के HR हैं, ये ईमेल है और साथ ही साथ ये है 5, ठीक है, इसमें रिज्यूमे भेजो और साथ ही साथ सब्जेक्ट जैसा बताया वैसा लिखो और जो मैसेज मैंने बताया वो मैसेज भी आप लोग लिखो। अगर आप लोग वो मैसेज को एज इट इज चाहते हो तो कमेंट डाउन करो, मैं पर्सनली आपसे रीच आउट करके आपको एज इट इज में उसको जो मैंने मैसेज लिखा है ना वो मैसेज आप लोग को DM करूंगा, प्राइवेट में DM कर दूंगा, ठीक है, जहां पे भी LinkedIn पे भी या फिर पे कमेंट करोगे तो मैं वहां पे भी आप लोगों को पर्सनली जाके भी किसी तरीके से कनेक्ट होके मैं भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है। ये सारा है, इस वे में जॉब को अप्लाई करो और मैंने ये भी बोला था कि आप लोगों को लास्ट में ये भी बताएंगे कि जो सैलरी रेंज होता है, देखो 0 से लेकर 25 LPA, इट मींस इफ यू आर अ फ्रेशर तो मैं मतलब 5 LPA भी दे सकता हूं, 6 LPA भी, डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस। हमारे कंपनी में 3 साल के एक्सपीरियंस तक की ओपनिंग है, अगर बंदा 1 ईयर है तो 5 LPA 6 LPA देंगे, अगर 3 ईयर का है तो 25 LPA तक दे सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर इंटरव्यू कैसा गया इंटरव्यू, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है आपका। तो यार इस वीडियो में यही चीज़ें आपको बता रही थी, ये डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ थोड़ी इलीगल हो सकती है कि डायरेक्ट मेरे को जो HR का है मैं आप लोग को दे सकता हूँ, बट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लोगों तक पहुँचाओ यार, एनी हाउ किसी तरह पहुँचाओ, मैं चाहता हूँ इस वीडियो में व्यूज़ आए और लोग भी देखें इस वीडियो को और उनकी भी हेल्प हो और डायरेक्ट, क्योंकि यार HR को डायरेक्ट रिज्यूमे सेंड करना बहुत ही बेनिफिट होता है, रिस्पॉन्स भी आएगा आप लोग को, मैं गारंटी देता हूँ, इस वे में करो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट आउट जरूर करना, कमेंट में ये लिखना तो मैं अगेन अगेन 10 या फिर 12 जो भी होगा मेरे पास HR की मैं उसका वीडियो बनाऊंगा, आप लोग के पास वो HR का भी मैं आप लोग के जीमेल आईडी प्रॉपर दे देंगे उस कंपनी का कंसल्टेंट का भी। तो बाकी वीडियो कैसे लगेगी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा, बाकी ऐसे वीडियो के लिए कमेंट आउट जरूर करिए कि हाँ मुझे नेक्स्ट वीडियो और HR के नंबर चाहिए और HR की जीमेल आईडी चाहिए तो मैं आप लोग को प्रोवाइड करूंगा। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जैसा भी आप लोग बताओगे वैसा बनाएंगे, बाकी तब तक के लिए बाय बाय।